हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फ्रेंड्स, आज की मैंने दोबारा एक व्लॉग बनाया है गुड़गांव का। पिछला व्लॉग में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, इसलिए आज भी है, सैटरडे का दिन है और आज भी हम जा रहे हैं गुड़गांव में। और अब हम इस गाड़ी में जा रहे हैं व्लॉग जो पीछे खड़ी है, एक क्रेटा गाड़ी है। अभी इस समय टाइम हो चुका है तकरीबन 6:30 बज चुके हैं और हम ये राइड अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सीधा गुड़गांव जाएंगे। गुड़गांव पहुँचने में हम लोगों को ऑलमोस्ट लगेगा 1 घंटा। हो सकता अगर ट्रैफिक मिला तो शायद थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बने रहना वीडियो में, आज की वीडियो में होएगा बिग बैश, ये बात तो पक्की है। और मैं बताता हूँ, गुड़गांव का जो पिछली मेरे वीडियोस में रह गया था वो भी मैं कवर करने में पूरी कोशिश करूँगा। इस समय हम लोग जा रहे हैं, 4 फ्रेंड्स वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, खूब इंजॉय करेंगे, खूब नाचेंगे, गाएंगे, पियेंगे, सब कुछ करेंगे। वीडियो में बने रहना। तब घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए यहाँ गुड़गांव में। गुड़गांव में काफ़ी इन्जॉय किया, मचान गए हम। मचान में हम लोगों ने यहाँ पर थोड़े ड्रिंक्स वगैरह इन्जॉय की। ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हमने पी हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर और भी बड़ा कुछ एंटरटेन किया। हाँ बेटा, क्या बात है, अभी देंगे बेटा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद देखते। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये इन्जॉय किया, आपको पता ही है। इसके बाद और बड़ी सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, वाइन शॉप्स वगैरह बहुत हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पीछे वैसे लाउड म्यूज़िक आ रहा था तभी मैं थोड़ा सा साइड में आ गया हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे आप यहाँ से लीकर ख़रीदते हैं या वाइन शॉप से, तो अगर आप 1-2 बॉटल्स लेते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली टू डेली वो भी सस्ती पड़ती हैं। मैं क्यों झूठ बोलूं, हाँ अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरा बॉक्स लेते हैं, पेटी जैसे बोलते हैं हम लोग पंजाबी में भी बोलते हैं, पेटी ले ली, उसमें हम लोगों को जो काफ़ी प्राइस में कम पड़ता है दिल्ली से, वो अप्रॉक्सीमेटली 40% तक कम है। बिलीव करो, ये बात मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ आके देख लेना। अगर पेटी की बात बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। ना यहाँ पे बहुत सारी वाइन शॉप्स हैं, तभी मैं अभी इधर एंटर भी कर रहा हूँ वाइन शॉप पे, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है यहाँ पर इम्पोर्टेड इंग्लिश हर तरह के आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो बोलते हैं ना, इंडियन ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, जैसे रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, और वो भी अगर आप पेटी लेंगे जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मिलेगा। इसलिए अगर आप गुड़गांव हो तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि जौन साहब मैंने आपको जगह बताई है आप यहीं से लें। गुड़गांव इज़ अ प्लेस, यहाँ पर बोलते ना एक्साइज नहीं लगती, तो इस बात का ध्यान रखना अगर यहाँ आएंगे। बहुत फ्रीडम है यहाँ पे गुड़गांव में इस चीज़ की, तो आप अपना आइए, अपनी नाइट लाइफ इन्जॉय कीजिए, जितना चाहे यहाँ इन्जॉय कीजिए। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तब भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेट्रो में ये है, यहाँ पे इतना कन्वीनियंट
नहीं है, मेट्रो स्टेशन थोड़ा रोड से आगे करके पड़ जाता है। जैसे मैं इस समय पर्सनली जहाँ पर हूँ, तो यानी कि 2-3 किलोमीटर वहाँ से आप ऑटो भी कर सकते हैं, रिक्शा भी कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हर एक चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और भाई साहब आप लोग बड़ी सेवा में लगे हुए हैं सबकी। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ भी मिलके। गुड। तो यहाँ पर सारे अपनी पेमेंट्स वगैरह दे रहे हैं और यहाँ से बाय करते हैं व्हिस्की। और ये है, मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हैं। होता है कि यूट्यूबर्स के साथ अच्छी फ्रेंडशिप सबको करनी पड़ जाती है और वो करते भी हैं। तो इन्होंने मेरे को बुलाया था, बोलते आप इधर से वीडियो बनाइए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूज हैं तो आपको पता है मैंने पिछली वीडियो बनाई थी नाइट लाइफ इन गुड़गांव, वो जरूर देख लेना। वहाँ पर आपको और भी बड़ी चीज़ें अच्छी पसंद की मिल जाएंगी जो आप देखना चाहते हो। ये मैंने जस्ट एंटरटेनमेंट वीडियो बनाई है, मैं आया था, मैंने बोला चलो ठीक है वीडियो बना लेता हूँ, इससे भी आप लोगों को कुछ नॉलेज मिल जाएगी। अभी मैं जिस वाइन शॉप पे हूँ, इसका नाम है द ठेका, ठीक है। ये सुबह 4 बजे तक खुला होता है, तक कितना टाइम तक खुला होता है। यहाँ के जो ओनर हैं वो भी हमको मिले थे, मिस्टर राठौड़ हैं, मेरे अच्छे फ्रेंड भी बन गए। और मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये बैठे हैं कुछ, ये है ऐसा कि ये वीडियोग्राफी में नहीं आना चाहते हैं सभी पे। थोड़े देखिए, इस चीज़ों में सबको हेसिटेशन होती है, तो मैं क्यों इनको फोर्स करूं। मिस्टर राठौड़ है यहाँ पर, ओनर है यहाँ पर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और ये बहुत अच्छे बंदे हैं, इन्होंने तो मेरे को ये भी बोल दिया कि आपको अगर और चाहिए तो मैं और भी आपको लेस कर दूंगा। हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज किए, अच्छा लगता। देखिए, सोशल बनना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सोशल गलत ढंग से बनना वो बुरी चीज़ है। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की वो अच्छा लगा, लेकिन अगर यही इंटरेक्शन, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर और गलत लोग भी मिलते हैं, गलत गर्ल्स भी हैं, जैसे CGs वगैरह। CG आप समझते ही होंगे, फुल फॉर्म मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहता। तो यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें, अगर मेरी पुरानी वीडियो, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लेना, आपको पता लग जाएगा, पूरा अच्छे से पता लग जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। देखता हूँ मैं राठौड़ साहब के साथ भी आपकी इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो रेडी हो जाए तो। ये है मिस्टर राठौड़ साहब और ये इनके फ्रेंड हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये है इनकी पूरी वाइन शॉप द ठेका, सुबह 4 बजे तक खुला होता है यहाँ पर गुड़गांव में। पूरा मज़ा है इस चीज़ का, अगर ज़िंदगी का एंजॉय करना है तो आप हमेशा गुड़गांव ही आइए। दिल्ली में इतना एंजॉयमेंट नहीं है, क्योंकि दिल्ली बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। इनफैक्ट आपको पता ही है कि मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, मैं गुड़गांव में आया हूँ 30 किलोमीटर चलाकर। आप देख रहे हैं 30 किलोमीटर चलाकर आए हैं, 30 किलोमीटर चलाकर जाना भी है। तो इसलिए आप बने रहना वीडियो में, अभी शायद और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कम से कम यहाँ पर 2-2.5 घंटे हम बैठे, अब हम जा रहे हैं आगे। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, हो गए गुड़गांव में ही, क्या होता है आगे मुझे भी नहीं पता। जैसे जैसे वीडियो बनती जाएगी आपको भी पता लगता जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा। बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, हम मचान में थे गुड़गांव सेक्टर 29 पे। तो चलो आगे, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, सुनील जी लगे हुए हैं गाड़ी चलाने, चावला जी हमारे आगे बैठे हैं और सुनील जी गाड़ी चला रहे हैं, और आगे देखते हैं क्या होता है। दिस इज कॉल्ड नाइट लाइफ इन कहां पर गुड़गांव, ये याद रखना। चलो जी चलो, अभी आगे धमाल मचाना है, ये याद रखना। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, dog. This my town. If I want that shit, then I'll.
ऐसे करना, वो चार ग्लास ले आओ, पहले पानी ले आओ, ठीक है, सोडा सोडा भी ले आना, और अभी बताते हैं मेन्यू आपका देख के फिर बताते हैं, ठीक है, आइस भी ले आना। जा यूट्यूब पे आदमी बदनाम नहीं होता, ये पॉपुलर होता है। हाय हाय, मजा आ गया क्यों जी? और आप देखो, हम वहां पे भी गए थे मचान, हरियाणा से आके फिर दिल्ली में आ गए हैं, अब हम चनक्यापुरी पहुंच गए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इतना है कि इस समय टाइम हो चुका है 11 o'clock, हमारा घर जाने का मन नहीं कर रहा, और क्यों नहीं एनर्जी बिल्कुल जी होगा। बस अभी यहाँ पर हम लोगों ने बस सच बोलूं झूठ नहीं बोलूंगा, एक आते पानी, एक मतलब पानी पियेंगे थोड़ा सा बैग का, और उसके बाद फिर हम डिनर करेंगे। और यहाँ पे भी क्राउड बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ आपको वो चीज दिखा रहा हूँ। तो प्लीज ये याद रखना कि अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए और एंटरटेनिंग लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो है मैं सच दिखा रहा हूँ आपको, पूरा जैसे बोलते हैं सच। तो एट लास्ट हम लोगों ने यहाँ से चनक्यापुरी में, जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे हम लोगों ने डिनर भी कर लिया और खूब इन्जॉय किया यहाँ पे भी। तो इवनिंग बहुत बढ़िया रही, मैंने आप लोगों को हरियाणा भी दिखाया और मैंने आप लोगों को दिल्ली का चनक्यापुरी भी थोड़ा बहुत दिखाया जितने मेरे में पॉसिबल था। तो अब ऐसे है कि हम जा रहे हैं इस समय घर, और टाइम क्या हो गया चावला जी इस समय? ओ नो, ये तो लग रहा है अगले दिन ही शुरू हो गया, और इस समय 12 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ घर, और मेरी भी फैमिली वेट कर रही है। तो प्लीज़ अगर थोड़ा बहुत भी चैनल को, अगर आपने थोड़ा मेरी वीडियो को लाइक किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ज़रूर लाइक करना। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हेलो हेलो, हाउ आर यू? तो ये हमें भाई साहब मिले हैं, बहुत अच्छे भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। ये मेरे साथ ही बैठे हुए थे, हम लोगों ने साथ ही एंजॉय किया था, तभी इन्होंने हम लोगों को बोला नाइस मीटिंग यू सर। तो इस समय पे यही चीज़ है कि हम लोग यहाँ मिलते हैं, थोड़ी गेट टुगेदर हो जाती है, आउटिंग हो जाती है, अच्छा लगता है। चीज़ को मैं हमेशा ही आपको ये बोलूँगा कि ये चीज़ों में बेटर है कि आप भी लाइफ को इन्जॉय करो, और थोड़ा बहुत देखिए आउटिंग सबको चाहिए, एक ही रूटीन के साथ सारे बोर हो जाते हैं। जैसे हर एक लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे सुबह काम पर जाना, शाम को आना, तो थोड़ा बहुत इनफैक्ट आउटिंग सबको चाहिए। तो वही हम कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे। फ्रेंड्स इस समय पे सारे फ्रेंड्स मेरे वेट कर रहे हैं, और हम इस समय प्लानिंग कर रहे हैं घर जाने की, सीधा घर जाएंगे, काफ़ी देर हो चुकी है। टाइम क्या हो चुका है इस समय पे? 12 बज गए, बहुत लेट हो गई, लग रहा है घर से भी काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ेगी, और वो पढ़नी भी चाहिए क्योंकि जो है लेट तो लेट ही होते हैं। और फ्रेंड्स इस समय पे हम चलते हैं घर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय फॉर नाउ, बाय बाय। The day I die.